क्या आपको भी अपने फोटो का साइज कम करना नहीं आता है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके फ़ोटो का साइज ज़्यादा केबी में है तो उसको कैसे आप जो है 50 KB 60 KB में कैसे करेंगे। अगर आपके फ़ोटो का साइज 400-500 KB में है तो, और आपके फ़ोटो का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा, आपके फ़ोटो का क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगा। सुभाष, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको आप डाउनलोड करके, बहुत ही कम MB का है, उसको आप जो है डाउनलोड करेंगे और उसको बिना नेट के आप उसको यूज कर सकते हैं और जितना चाहे उतना अपने मन से उसको फ़ोटो का साइज कम कर सकते हैं और आपके फ़ोटो का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है अपने फ़ोटो का साइज कम करेंगे। अगर आप इस सिचुएशन में दुकान वाले के पास जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पर जो है फ़ोटो का साइज कम करने का आपको 100 से 150 रुपया ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि भैया आपको जो है फ़ोटो का साइज कम करवाना है। अगर आप जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी है जो आपको है विड और हाइट कम मांगता है कि अब भैया आपको इतने विड और इतने हाइट का फ़ोटो अपलोड करना है। और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे आपके फ़ोटो का साइज कम मांगता है कि आपके फ़ोटो का साइज इतना विड और इतना हाइट होना चाहिए तभी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो है वो सब आना ही चाहिए कि किस तरीके से आप अपने फ़ोटो का साइज कैसे कम करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना नेट के आप जो है ऑफलाइन में उसको जो है अपने फ़ोटो को विड और हाइट कम करेंगे और उसको जो है कहीं भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जो है आपके फ़ोटो के जो साइज कम मांगता है, विड और हाइट कम मांगता है और वो जो है केबी में मांगता है। अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपको कम केबी में फ़ोटो मांग देता है या बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे जो है आपको कम केबी का फ़ोटो मांगता है और उसमें भी जो आपको है हाइट और विड जो है कम मांगता है तो आप जो है उसको फ्री में कैसे बनाएंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं कैसे एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा जहां से जाने के बाद जो है इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो को जो है कम केबी में करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो मैं रख रखा हूँ डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है कर्सर पे इस पर रखता हूँ तो कर्सर रखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 281 KB का साइज है और ये जो है JPEG है। तो आप जो है इसको PNG या बहुत सारे फॉर्मेट में इसको आप चेंज कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, या आप चाहते हैं JPEG में ही रखें तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं 281 KB का फ़ोटो है तो मैं आपको जो है इस फ़ोटो का जो है कम केबी में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये कैसे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखें सबसे साइड पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर रख रखा हूँ तो यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पर आने का सबसे पहले क्या करना है, फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना जहाँ भी आप जो है फ़ोटो रख रखे हैं। तो यहाँ जब मैं फ़ोटो रख रखा हूँ, मैं फ़ोटो का इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओपन वाले में क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए फ़ोटो जो है यहाँ पे इंसर्ट होके आ चुका है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको जो है आउटपुट फोल्डर, एक फोल्डर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद जो है आप जो भी फ़ोटो का साइज को जो कम करेंगे तो वो जो है फ़ोटो आपको इसी फोल्डर में आपको आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद आप जो है डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर बना लेंगे या आपको इतने सारे जो भी फोल्डर है आप इस फोल्डर में रखना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे या 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है डेस्कटॉप पे जाएंगे और जो भी फोल्डर में आप रखना चाहते हैं वो फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू वाले में रखना चाहता हूँ तो मैं यहीं न्यू वाले पर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर को क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए फोल्डर इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट है, यहाँ JPEG है तो आप जो है यहाँ पर PNG, BMP इनपुट आप जो भी
फॉर्मेट में रखना चाहते हैं अपने फोटो को, आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप PNG में रखना चाहते हैं तो यहाँ PNG सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप JPG में रखना चाहते हैं तो ये वाला JPG सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है फोटो का जो साइज है, यहाँ पर देख रहे हैं 19:20 x 12:80, तो यहाँ पर आप इसको जो है विड और हाइट इसका कम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कम कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 720। इस तरीके से आपको विड डाल देना है और यहाँ पे आपको हाइट डाल देना है। जहाँ पे आपको फोटो जितना साइज का बोले इसी तरीके से यहाँ पे विड और हाइट को आपको कम कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 600। तो इसी तरीके से आपको जो है विड और हाइट जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जो आपको विड और हाइट मांगता है, तो यहाँ से जो है आप जो है विड और हाइट कम कर सकते हैं। इसका सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही अप्लाई वाले पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जो है न्यू रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पे 720 और 600 आ चुका है। अब सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट है ही, यहाँ पे कंप्रेस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देना है। ओके वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कि आपका न्यू साइज जो है 65.95 KB हो चुका है। अब पहले जो साइज था आपका ये साइज था, तो यहाँ पे 281 जो मैं आपको पहले दिखाया था, और न्यू साइज आपको इतना हो चुका है 65 KB में हो चुका है। तो मतलब जो है आपको जो रेशियो घटा है इतना परसेंट आपको रेशियो जो है घट चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो फोटो जो है आपको जो है रिसाइज कम होके आया है, आपके फोटो को जो है कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि इतना परसेंट कम हो गया है तो फोटो को जो है क्वालिटी खराब हो गया होगा या लॉस हो गया होगा, तो आपके फोटो को कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं हुआ होगा, आपका जो है फोटो खराब नहीं हुआ होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से जो है बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मैं जो फाइल जो सेलेक्ट किया था न्यू, तो यहाँ पर न्यू वाला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये फोटो है, यहाँ पे वो फोटो जो मैं आपको वहाँ पर आपको रिसाइज कम करके दिखाया हूँ। यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ, कर्सर रखने के बाद यहाँ पर देखिए कि 720 और 600 आपको डायमेंशन आ चुका है, और यहाँ पर साइज देख रहे हैं 65.9 KB। तो और जो यहाँ पर आइटम टाइप है JPEG फाइल, तो इसको मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो इसको डबल क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फोटो यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि फोटो का जो क्वालिटी है, आपको यहाँ पर ये क्वालिटी देख लीजिए जो आप फोटो को रिसाइज किए हैं। और मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप है, जो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ। कर्सर रखने के बाद जो है यहाँ पे इसको देखिए 281 जो है मैं आपको पहले दिखाया था, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आप जो है इस पिक को देख लीजिए, तो इसका क्वालिटी देख लीजिए, और जो मैं आपको पहले दिखाया हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका क्वालिटी देख लीजिए, दोनों का क्वालिटी एकदम सेम ही है। तो यहाँ पे इसका क्वालिटी देख लीजिए और यहाँ पे जो है इसका क्वालिटी आप मिला लीजिए, दोनों सेम ही है। बट ये जो है हाइट और विड जो है ये कम हो चुका है, बस इसका जो हाइट विड यहाँ पे ज़्यादा है। सुगज बहुत ही ईजी तरीका, बहुत ही आसानी से जो है आप कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बहुत ही कम MB में है, आपको जो है 5 से 7 MB में आपको जो है ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको बिना नेट का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी नेट यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं नो कनेक्टेड, कोई कनेक्शन नहीं है। और ये जो है आप ऑफलाइन जो है अपने फ़ोटो को आप रिसाइज कर सकते हैं, जितना बड़ा भी फ़ोटो हो चाहे MB में क्यों ना हो, उसको आप KB में बहुत ही ईजी तरीक़ा से आप जो है अपने फ़ोटो को इसको यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है JPEG PNG BMP इनपुट कुछ भी आप जो है यहाँ फॉर्मेट में रख सकते हैं, और अपने फ़ोटो को अगर आपको कहीं भी मांगता है, जैसे आपको अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं या बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे जो बोला जाता है कि अपने फ़ोटो का जो है विड और हाइट जो है कम करके अपलोड करना है, तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ से जाने के बाद जो है भैया अपने फ़ोटो को जो है बहुत ही इजी तरीके से कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 281 है, 65.95 मतलब 66 KB का हो चुका है, समझ सकते हैं ये जो है इतना परसेंट कम हो चुका है। आप देखें कि आपके फ़ोटो का क्वालिटी भी लॉस नहीं हुआ है। सुगज ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, एक बार इसको आप यूज़ कीजिए तो आप जो है ये इस एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप से हटाएंगे ही नहीं। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने इस वीडियो में तो ये सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोटो के विड और हाइट को आप अपने मनपसंद से किस तरीके से उसको कम करेंगे और आपके फ़ोटो का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।